नमस्कार साथियों, आज के स्टूडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर जो स्कूल है, मतलब RSOS का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो स्टेट ओपन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप वेबसाइट के ऊपर रिटैक हो सकते हैं, ठीक है। राजस्थान .gov.in RSOS पे। तो साथियों, आप सभी साथी बंधुओं ने जो मतलब 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए आपने फॉर्म भरा 10वीं 12वीं का, जो कि RBSE का जो एग्ज़ाम थे 10वीं 12वीं के, जो अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के, उनके साथ में इन एग्ज़ाम को कराना था उनके पीछे, पर लोकसभा चुनाव होने की वजह से वो एग्ज़ाम की डेट है वो स्थगित कर दी। तो अभी जो इस वक्त लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं और पूरी तरीके से सरकार वगैरह जो शपथ वगैरह हो चुका है, तो कुल मिला के अभी समय मिल चुका है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले टाइम टेबल जारी किया था, जिसके संबंध में सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराएं कि जो 24 जून से इनका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा और लास्ट 25 जुलाई तक रहेगा, यानी समझिए आप 1 महीना आपके लिए दे रखा है। तो साथ ही इनकी ये सारी जानकारी मैं इसमें बताऊंगा, और इसके साथ में देख सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, आप वेबसाइट पे जाए और इस तरीके से यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है एडमिट कार्ड का जो ऑप्शन है, इस एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। राजस्थान स्टेट ओपन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप इसमें ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा देख सकते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा परीक्षा सत्र मार्च-मई 2023-24 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कृपया अपने एडमिट कार्ड पर क्लिक करें। तो जिस तरीके से आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, जिस तरीके से मैं आपको इस एडमिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके आपको बताता हूँ, जिस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो एडमिट कार्ड वो कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है नामांकन संख्या आपको डालनी है, प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए आपको जो नामांकन संख्या जो डालनी होगी, जो 260-702 जिस तरीके से सीरियल से स्टार्ट है 10वीं और 12वीं की, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो जन्म तिथि, जो मतलब अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है वो फॉर्म भरते वक्त दी गई, और उसके बाद में फिर आगे जो आपको नज़र आ रहा है कैप्सा कोड, तो यहाँ पे आपको कैप्सा फिल करना है, जिस तरीके से ये नंबरिंग जो प्लस का दे रखा है कितने होंगे, तो 5+19+ बरोबर कितने होंगे, ये जिस तरीके से 24, तो इस तरीके से आपको मैं एक एडमिट कार्ड जो करके दिखाऊंगा। साथियों, मैंने ये ब्लर इसलिए किया है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से मैंने इसको हाइड करके रखा है, ताकि ये यूट्यूब की जो गाइडलाइन के खिलाफ है, तो क्या कि ये डेटा मैं आपको शो नहीं करवा सकता हूँ। पर आप निश्चित तरीके से साथियों, जो मैं आपको अपना जो प्रवेश पत्र है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसी तरीके से आप अपना जो प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो उसकी जो लिंक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। इस तरीके से आपको अपना जो अभ्यर्थी की जो DOB है वो इस कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट करनी है, जिस तरीके से मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले ईयर करना है, उसके बाद में मंथ करना है, उसके बाद में डे करना है, जिस तरीके से ये मैं इसके अंदर जो कैलेंडर के माध्यम से मैं इनकी जो DOB है वो सेंड कर लेता हूँ, ठीक है। साथियों, ये फोन थोड़ा क्या है कि मतलब वो उसको रोटेट करके रखा है, तो इसको एकदम वापस इसको सही पोजीशन में कर देंगे। जिस तरीके से करते हैं अपना क्या है कि जो मतलब ओके का जो होगा, ओके वो नीचे आ नहीं रहा है, तो इसके साइड में जैसे रोटेट को वापस सीधा रोटेट कर देंगे लेडीज के, तो इस तरीके से साइन हो जाएगा, ओके पर आ जाएगा। उसके बाद में ये जो अपना है जो इस तरीके से क्लियर तरीके से बताएगा, यहाँ पे अपन को कैप्चा फिल कर देना है एक बार, ठीक है। कैप्सा फिल कर दिया, ठीक है साथियों। कैप्सा फिल करने के बाद में फिर अपन को इसको नॉर्मली सर्च के ऊपर क्लिक करना है आपको, ठीक है। सर्च के ऊपर इस तरीके से देख सकते हैं साथियों, ये मेरा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है, मतलब कस्टमर का एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। इसी तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा जो एडमिट कार्ड है जो कस्टमर का, मैंने इस तरीके से डाउनलोड कर दिया। तो साथियों, आप निश्चिंत रहे, आप इसी तरीके से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई क्वेश्चन वगैरह आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब आपको ज़रूर दे दूंगा। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवाहर, जय भारत, जय विदेश।